हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकियस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी A22 5G में आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम डाउन बटन जिससे हम आवाज़ को कम करते हैं और पावर बटन जिससे हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं, आपको इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, इन दोनों को प्रेस करके रखना नहीं है बल्कि एक सेकेंड के लिए प्रेस करना है और छोड़ देना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने दोनों बटन्स को प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। और दोस्तों अब मैं आपको इसके दूसरे तरीके के बारे में बताती हूँ। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी डिस्प्ले की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगी, आप देख सकते हैं, एज पैनल्स की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑन किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैनल्स की ऑप्शन दिखेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको टास्क वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, बाकी सभी को अनसिलेक्ट कर देंगे। एंड देन आपको जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड की ओर एक लाइन दिखेगी बनी हुई, आपको इसे लेफ्ट साइड की ओर स्वाइप करना है। तो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी टेक स्क्रीनशॉट, आपको इस पर क्लिक करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है।